दोस्तों 23 मार्च 2021 एक ऐसी तारीख जिसे आने वाले सालों में याद रखा जाएगा। इस दिन बिहार विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो काफी हिला देने वाली थी, और इसे देखने के बाद ये कहा गया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार विधानमंडल के अंदर विधायकों को पुलिस के द्वारा घसीट कर बाहर किया गया और उनकी पिटाई की गई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं जय शुक्ला। अब इस मामले पर तेजस्वी यादव जो हैं वो साफ कह रहे हैं कि हमारे विधायक डरे हुए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव, आपको पता है कि बिहार में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, एक बार फिर से उसी विधानसभा के अंदर जाना है, और उससे पहले तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हुए ये कहा है कि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं वो काफी डरे सहमे हुए हैं। तेजस्वी यादव खुद भी एक विधायक हैं और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हुए ये भी कहा है कि आखिर उस मामले में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और उस मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। वो काला दिन था कि नहीं था? पहली बार देश के किसी विधानसभा में इस तरह की घटना हुई जहां विधायकों को पुलिस द्वारा जो है बुला करके गुंडई करा करके विधायकों को पीटा गया, महिलाओं का जो है झोटा पकड़ पकड़ के सारी खोल खोल करके उठा करके बाहर फेंका गया, बूट से फेंका गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई विधायकों को। तो हमने तो विधानसभा अध्यक्ष को हमने चिट्ठी लिखा है कि सभी विधायकों से हमारी बात हुई, भय का वातावरण, लोग डरे हुए सहमे हुए कि भाई जनता का सवाल उठाने गए हैं और वहाँ लाल जूते डंडे पड़ रहे हैं, उठा करके फेंका जा रहा है, गालियाँ पड़ी जा रही है। तो इस विषय में आपने कोई जांच की होगी तो उसका क्या नतीजा है? क्या विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए विधानसभा अगर ऐसी घटना हुई है? तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर गुंडई की गई, पुलिस के द्वारा जिस तरीके से व्यवहार किया गया विधायकों के साथ, एक सम्मानित पद पर, चलिए व्यक्ति का लिहाज न सही लेकिन उसके पद की गरिमा का लिहाज जरूर रखना चाहिए। और यही बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उस दौरान पुलिस ने जो भी किया वो सरकार के इशारे पर किया और उस दिन को भुलाया नहीं जा सकता है, और शायद यही वजह है कि जितने भी विधायक हैं जिनकी पिटाई हुई, जिन्हें घसीट कर बाहर किया गया, वो उस दिन को, उस हादसे को, हादसा ही कह सकते हैं उनके लिए, नहीं भूल पाए हैं। और यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हुए तेजस्वी यादव ने यह बात जाहिर की है कि विधायक डरे सहमे हुए हैं, आखिर कैसे आएंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव वो भी आपने सुना, किस प्रकार से वो अपनी बातों का इजहार कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको चिट्ठी भी दिखा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, लगातार आप देख पा रहे होंगे तेजस्वी यादव की चिट्ठी जो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी है इस मामले पर। अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव के इस चिट्ठी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर आती है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ इस पर निर्णय लेते हैं, क्या बयान और निकल कर सामने आता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।